अब एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखो, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फेल्ट ऑन सरफेस। रोटेशन का इफेक्ट क्या फील होगा लोगों को, अब उसकी बात कर रहे हैं। ये तो हमको पता है ना कि अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, पता है? डू अच्छा वी नो दिस ऑर नॉट? और हर एक रोटेटिंग फ्रेम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना। अच्छा हाँ सर तो देखो, ये सिचुएशन मैं दिखा रहा हूं। सो ये है अर्थ अपना, दिस इज अर्थ, और अर्थ खुद की एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा देते हैं जस्ट टू हैव अ बेटर फील। ये अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ये एंगुलर वेलोसिटी बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, या बहुत जस्ट छोटे हैं। बहुत छोटा है? क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है ना? करता है नहीं करता, हाँ सर राइट? दिन रात है ना। सो अब ये सोच के देखो, कोई चीज अगर एक रेवोल्यूशन करने में 24 घंटे लेता है, तो अगर उसको आपको कोई ऑब्जर्व करने के लिए बोले और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या उसका मूवमेंट काजी स्टैटिक दिखेगा या नहीं आपको? मतलब ठीक काजी है स्टैटिक मतलब सर। बहुत हाँ सर स्लो, दिखेगा या दिखेगा। नहीं दिखेगा? हाँ मतलब सर आपको ऐसा अपियर करेगा कि वो हमेशा स्टेशनरी है ना, घूम ही नहीं रहा है। आई यू गेटिंग इट? हाँ ठीक सर है, तो ये बहुत ही स्लो वैल्यू है। मतलब ओमेगा की वैल्यू जो है, दिस इज 2π/T, टी इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज बेसिकली 24 आवर्स। ठीक है, ये जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे। अब इमेजिन करो कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल प्लेन इसका बनाते हैं। लेट अस से ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन हमने ड्रॉ कर रखा है, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन बनाया मैंने। ये भी जो यू नो कर्व सा लाइन बनाया, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसको इक्वेटर कह लेते हैं, दिस इज इक्वेटर। अगर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन पे अगर आपसे बोले कि उसका लैटिट्यूड का वैल्यू लैम्डा है, तो लैटिट्यूड एंगल कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है? लैटिट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन से वो पर्टिकुलर लोकेशन का जो सेंटर से कनेक्ट करते हो आप, ये सेंटर से कनेक्ट करने के बाद जो इक्वेटोरियल प्लेन से एंगल बन रहा है, देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को बेसिकली उसका लैटिट्यूड कहा जाता है। समझ आ रही है? समझ आ रही हाँ सर। ठीक है। अब ये चेक करो, जैसे यहाँ पे मैंने इसका सेंटर दिखा रखा है, ये अर्थ का सेंटर, यहाँ पे सोचो तो सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं जहां पे मुझे लैटिट्यूड का वैल्यू मार्क करना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मुझे लैटिट्यूड अगर दिखाना है, तो लैटिट्यूड दिखाने के लिए मैंने आपको बोला कि इक्वेटोरियल प्लेन के साथ उस सेंटर से कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है उसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, ये जो लैम्डा मार्क कर रखा है, दिस लैम्डा इज द लैटिट्यूड फॉर द प्लेस ऑन द अर्थ। समझ आइए आपको? ठीक हाँ सर। हाँ सर। हाँ है, सर। तो ये आपका लैटिट्यूड वैल्यू हो गया है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इमेजिन करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो हम ही खड़े हैं वहां पे। लेट अस से कि हम यहाँ पे खड़े हैं एज एन ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या फील होगा, हमसे ये पूछी जा रही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट वी आर फीलिंग ऑन स्टैंडिंग ऑन अर्थ? फील करना एक डिफरेंट चीज होता है और एक्चुअल वैल्यू होना एक डिफरेंट चीज होता है। जैसे अभी हम सभी बैठे हुए हैं तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील हो रही है। कैसे पता चल रहा है फील हो रही है? क्योंकि हमारे यू नो जैसे हम जब भी सरफेस पे खड़े होते हैं या बैठते हैं, तो हम टायर्ड होते हैं या नहीं होते? होते हैं नहीं होते? हाँ सर होते क्यों? क्योंकि हैं। अर्थ हमें नीचे खींचता है, तो जिस सरफेस पे भी हम बैठते हैं वो बेसिकली हमें क्या करता है, नीचे खींचने से वो सरफेस हमें क्या करता है, एक पुशिंग फोर्स लगाता है, और वो पुशिंग फोर्स हमें क्या करता है, टायर्ड करता है। तो फिर इसीलिए हमें थोड़ी देर के बाद क्या करना होता है, रिलैक्स करने का मन करता है, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर ये पुशिंग फोर्स मुझे फील ही ना हो, कैसा हो सकता है? अगर कोई सोचे कोई मुझे पकड़ के ऐसे उठा ले, कोई लिफ्ट कर ले, तो क्या मुझे ग्रेविटी फील होगा? नहीं होगा सर। ग्रेविटी किसको फील होगा? उसको जिसने मुझे लिफ्ट कर रखा है, यही तो होगा ना। हाँ सर।
तो मेरे लिए ग्रेविटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैं अर्थ की तरफ पुल दूंगा। अगर मुझे कोई लिफ्ट कर ले तो मेरे लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए करता है जो जो यू नो लिफ्ट कर रहा है। समझ आ रही है ना आपको बात? तो फील करना और एक्चुअल वैल्यू क्या होना है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? इसीलिए हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्या फील करेंगे रोटेटिंग फ्रेम में आने की वजह से, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है? देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे अर्थ की रेडियस को मैंने आर मार्क कर रखा है, ठीक है? ये इंसान जो है स्टेशनरी तो नहीं है, ये तो गोल गोल चक्कर काट रहा है ना अर्थ के साथ साथ, राइट? और इसका रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन कितना है बताएंगे मुझे? आर कॉस लैम्डा, गुड। तो यहां से देखो मैंने यहाँ पे भी एक इसका सर्कुलर पाथ दिखाने के लिए यहाँ पे भी एक सर्कल बना लेते हैं, आई होप आपको डायग्राम समझ आ रहा हो, ठीक है? साफ सुथरा डायग्राम तो बन रहा है, ठीक है? इसको अगर स्मॉल आर मानते हैं रेडियस ऑफ रिलेशन के लिए, तो स्मॉल आर की वैल्यू इज कैपिटल आर इनटू कॉस ऑफ लैम्डा। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब देखो इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो एक बार दिखा लेते हैं, ठीक है? क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो एक बार दिखाते हैं। देखो एक है उसका ग्रेविटेशनल पुल जो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना, होगा? ये देखो मैंने ग्रेविटेशनल पुल दिखा रखा है, ठीक है? This is gravitational pull towards the center. तो इस पर कोई डाल देते हैं। दिख रहा है ना आपको कलर स्क्रीन पे? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, this is gravitational pull and this is m into g at surface. सही है? ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। और ये since rotating frame का part है, तो रोटेटिंग फ्रेम में हमें क्या करना पड़ेगा? एक सुडो फोर्स बाहर की तरफ जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, याद है? तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमें बाहर की तरफ लगानी पड़ेगी। ये सुडो फोर्स अपना m into omega square into r आएगा, सही है? सही है? अब देखो ये जो रेडियस वाली लाइन है, इस लाइन के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एंगल लैम्डा है ना, दिख रही है आपको? हाँ सर, है। तो m ओमेगा स्क्वायर r वाला जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट है ना रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में, m ओमेगा स्क्वायर r into cos of lambda, देखो, दिख रही है? सर ये स्मॉल r होगा। अच्छा हाँ हाँ, अरे रे क्या लिख रहा हूँ, सॉरी। ये स्मॉल r ही है बेटा, ठीक है, सही कह रहे हैं, ये स्मॉल r है। So m omega square r into cos lambda, ये ठीक है ना? अभी देखो चेक करो एक बार। हाँ सर, ठीक है। आपको दिख रहा है कि mg का pulling force के against upward direction में एक बाहर की तरफ force मिल रहा है, तो क्या वो हमें gravity कम feel करवाएगा? नहीं, सोच के देखो। कराएगा ना, ठीक है? तो हम जो है gravity less feel कर रहे हैं, और ये जितना less feel कर रहे हैं ये कैसे पता चलता है? Normal reaction से। जैसे हमारे सरफेस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन है, हम जब जिस सरफेस पे खड़े हैं या बैठे हैं वहां पे नॉर्मल रिएक्शन अगर कम होता है तो हम बोलते हैं ना हमें ग्रेविटी कम फील हो रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन वैनिश कर जाएगा तो हमें ग्रेविटी फील ही नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है? तो बस नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे निकाल लो और वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को ही जस्ट एम इंटू जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा दिया, देखो बाहर की तरफ, इसके फुट पे नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ है, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो कंडीशन ये लिख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम इनटू जी एट सरफेस माइनस एम इनटू ओमेगा स्क्वायर आर इनटू कॉस ऑफ लैम्डा, सही आ रही है? हां सर। और इसी को हमें क्या करना है, जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देना है। सो देयरफॉर जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है, जी एट सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर इनटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, देखो तो है क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी जो हम फील कर रहे हैं वो कम फील कर रहे हैं, नहीं है ना? हाँ सर। इफेक्ट ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा कहाँ फील होगा, इक्वेटर पे? हाँ सर। क्योंकि इक्वेटर पे देखो रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन सबसे बड़ा है, और रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन सबसे बड़ा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है तो कोई कंपोनेंट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
तो रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा वहां पे फील होगा, और बिल्कुल कहां पे फील नहीं होगा? पोल्स पे. क्योंकि पोल्स पे चले गए तब तो कोई रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन ही नहीं है, तो उस केस में सिंपली एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, एंड देन रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं, तो उसको कोई फील नहीं होगा. समझ आइए आपको? नाउ क्या ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है या नहीं है? नाउ वेदर दिस इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ओमेगा का वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसी वजह से ये इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं है. अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें ना, जी का परसेंटेज चेंज करें, कैलकुलेट करें, अगर सरफेस से, मतलब इक्वेटर से अगर पोल पे जाके, तो पोल पे जाने पे जो जी मिलेगा वो सिंपली जीएस मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? और इक्वेटर पे मुझे मिलेगा जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यही मिलेगा? तो जब परसेंटेज चेंज करोगे तो क्या करोगे? ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी एट सर्फेस इन 200, यही तो करोगे? क्योंकि चेंज कितने का मिला? ओमेगा स्क्वायर आर का चेंज मिला, एंड परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या करोगे? ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी एट सरफेस इनटू 100, राइट? राइट? ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद पता है आपको कितना आता है? ये अप्रोक्सीमेटली 0.34% आता है, 0.34% में बोल रहा हूँ, मतलब कि ये 1% भी नहीं है. परसेंटेज चेंज में अगर आप बोलोगे तो 1% भी नहीं है. तो तुम सोच के देखो, अगर 9.8 का अगर मैं बोल रहा हूँ 1%, तो 1% कितना होगा 9.8 का? मतलब 10 ही मान लो, 10 मान लो, 10 का 1% कितना होगा? 1.1. तो 0.1 का चेंज आएगा अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करोगे इक्वेटर से पोल पे जाके. समझ आई आपको? ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है. और अगर आपसे कोई पूछे कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्यों फील हो रही है, तो आप मतलब इफेक्ट ऑफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से पोल जाने पे बढ़ क्यों रहा है, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि सॉरी, इक्वेटर पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, और पोल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से आपका ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. अच्छा, एक चीज देखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर का एक और कंपोनेंट है ना जो पैरेलल टू सरफेस है ना? तो क्या इसकी वजह से क्या होगा बताओ तुमको? इसकी वजह से फ्रिक्शन आएगा, यहां पे फ्रिक्शन इसके सरफेस पे आएगा पैर पे, और वो उसको रोकेगा. समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो अगर सोचो, जैसे कि अगर किसी ने बोला है कि कोई एक इंसान है जो इमेजिन करो कि अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि बताओ उस पर फ्रिक्शन लग रही है नहीं लग रही है, वो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग में नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वो चलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है और टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? जीरो फ्रिक्शन. क्यों? क्योंकि कोई इस पर हिलाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो भी हिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो होगा ही नहीं होगा, यही तो बोलते थे अब तक. बट अब सोचो, अगर अर्थ का रोटेशन इफेक्ट को काउंट करें तो फ्रिक्शन लग रही है नहीं लग रही है उसके ऊपर? लगेगी से. समझ आ रही है? तो ये इफेक्ट को काउंट करके आपको फ्रिक्शन तो उस पर लगाना पड़ता है. समझ आ रही है? तो फ्रिक्शन यहाँ पे डेफिनेटली उसके ऊपर लगती है. इक्वेटर पे बस नहीं लगेगा, इक्वेटर को छोड़ के कहीं पे भी चले जाओगे तो आपको वो लगना ही लगना है. ठीक है, समझ आ गई आपको? सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. सो देयरफॉर ग्रेविटी फेल्ट एट इक्वेटर, this is equal to gravity at surface minus of omega square into r, and gravity felt at poles, this is equal to gravity at surface. So therefore effect of rotation is felt maximum at equator and no effect is felt at all at poles. Poles में आपको कोई effect feel नहीं होगा. ठीक है, एक और interesting चीज notice करो. अच्छा, आप ये बताओ मुझे, globe तो सबने देखा है ना? Globe सबने देखा है कि नहीं? हाँ सर. हम सबके हाथ में जब भी पहली बार globe आया था, हम सबने क्या किया था, आप याद करो? पहली बार क्या करते हैं हम सब जब पहली बार घुमाते हैं? घुमाते हैं सबसे पहले. एग्जैक्टली, हम सभी यही करते हैं. मैंने भी यही किया है कि जब भी ग्लोब आता है सबसे पहले लेके क्या करते हैं, उसको ग्रर ऐसे घुमा देते हैं, करते हैं ना? कभी भी क्या आप ये फाइंड करने की कोशिश करते हो कि उसमें कौन सा, यू नो,
कॉन्टिनेंट या कंट्री कहाँ पे है, क्या ये फाइंड करने की कोशिश करते हो? मैं तो नहीं करता नहीं, कभी नहीं, नहीं हमें बस ये मजा आता पहले है, हमें बस ये चीज मजा आता है उसको घुमाने में, मजा आता है डर 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 करके उसको स्पिन करते रहो, घूमता रहेगा, मजा आता है उसमें, राइट? यही तो करते हैं। अब इमेजिन करो ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो कि आप कोई सुपर हीरो का मूवी देख रहे हो, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ। तो इमेजिन करो कि ऐसा एक सुपर हीरो है जो कि एक यू नो मल्टीवर्स थ्योरी, समझते हैं आप मल्टीवर्स थ्योरी? मल्टीवर्स थ्योरी नहीं जानते? मल्टीवर्स थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारा एक यूनिवर्स है ऐसा ही एक और यूनिवर्स, ऐसे ही मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम एक अर्थ में रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ है, तो ऐसा ही कोई और यूनिवर्स भी है जहाँ पे, यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स मतलब ये बहुत सारे प्लैनेट से मिला के उनका अपना सन होगा, जैसे हमारा अपना सन है तो उसका भी अपना एक सन होगा, सब पूरा यू नो ऐसा ही एक और सिस्टम, मान लो कि ऐसा ही एक और एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज अ मल्टीपल वर्स थ्योरी। तो इमेजिन करो कि ऐसा एक मल्टीपल वर्स थ्योरी है और उसमें मान लो कि कोई एक सुपर हीरो है, और वो सुपर हीरो इमेजिन करो उड़ता उड़ सकता है, यू नो हम तो उड़ नहीं सकते, बट वो इमेजिन करो उड़ सकता है, और वो बहुत बड़े साइज का है। तो वो उड़ के आया, और वो उड़ के जब जा रहा था तो जाते जाते उसको क्या दिख गया? अर्थ दिख गया। अब जैसे हमें जब ग्लोब दिखता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे करके ग्रर घुमा देते हैं, तो उसको भी वैसे ही मन किया, तो उसने क्या किया? ऐसे पकड़ा और इसको ग्रर करके घुमा दिया। तो उसने तो मजे मजे में घुमा दिए, बट ये हमारे लिए मजा होगा क्या? हमारे लिए मजा होगा क्या? नहीं सर, हमारे लिए तो सजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो उस केस में तो हम सरफेस से बाहर छूटने का भी टेंडेंसी होगा ना। अगर सोचो कि बहुत ज्यादा ओमेगा कर दिया जाए, बहुत ज्यादा ओमेगा कर दिया जाए, तो उस केस में टेंडेंसी टू शूट ऑफ द सरफेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हां सर, बढ़ जाएगा। दैट्स इट। इसका मतलब वेटलेसनेस का भी सिचुएशन आ सकता है। हां सर, राइट। तो अगर वेटलेसनेस करनी है, जैसे अगर मान लो कि किसी ने कह रखा है कि आपको इक्वेटर पे वेटलेसनेस करना है, तो बताओ उसको कितना एंगुलर स्पीड से घुमाना चाहिए? तो इक्वेटर पे अगर वेटलेसनेस करना है तो जी इफेक्टिव जीरो कर दें, है ना? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी एट सरफेस बाय आर। यस राइट। ओमेगा देखो, जी एट सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू इक्वल टू जीरो करोगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? रूट अंडर जी एस बाय आर आ जाएगा, आएगा? हाँ सर। तो इससे हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 2 पाई बाय यू नो मतलब ओमेगा मिल गया तो 2 पाई बाय ओमेगा करेंगे, टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। इससे देखा गया कैलकुलेशन करके जो डेटा आया, इससे पता चलता है कि अगर अर्थ अपने प्रेजेंट रोटेशन स्पीड का अगर 17 टाइम्स या उससे ज्यादा फास्टर मूव करना शुरू कर जाता है, 17 टाइम्स और फास्टर, तो फिर उस केस में इक्वेटर पे वेटलेसनेस का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। समझ आई? ये डेटा आप याद रखिएगा कि यू नो कि रोटेशन में कितना फास्ट उसको घुमाना पड़ेगा सच कि वेटलेसनेस का सिचुएशन इक्वेटर पे क्रिएट हो। समझ आ गई आप सबको? हाँ सर। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट जितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो सबके लिए ही क्या ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल, मास से कोई लेने देना नहीं है। मास से क्या लेना देना है? जी इफेक्टिव कहीं पे मास लेना देना है ऑब्जेक्ट का मास को? हाँ नहीं सर। तो फिर ये तो इसके लिए रोटेटिंग फ्रेम का प्रॉपर्टी हो रहा है। अच्छा, ये जो मैंने 34% का चेंज आता है वो नहीं लिखा ना मैंने, वो भी लिख देता हूँ एक बार में, तो क्योंकि वो कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट कराएगा, वो 34% का चेंज वाला बात भी लिख देता हूँ। सो देयरफॉर व्हेन वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द एक्सेलरेशन due to gravity felt increases and the percentage change is g at poles minus g at equator divided by g at equator। एंड इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप लिखेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी एट सरफेस, एंड ये अप्रोक्सीमेटली आपका 0.34% में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 0.34% का चेंज आता है वो ध्यान रखना। और एक जो अभी आपको समझाया वेटलेसनेस वाला वो भी लिख देते हैं।
if a hypothetical situation is given where Earth starts to spin faster than the centrifugal force acting on objects kept on its surface increases, and hence for sufficient rotational speed a weightlessness situation may be created if weightlessness at equator is considered, then G effective is equal to G at surface minus omega square r equal to zero. So therefore, omega ki value is root under G at surface by r. कि अपने फोन को आप बंद नहीं कर सकते इतनी जोर से वाइब्रेशन पे लगा रखा है, लग रहा है यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, डू डू आवाज कर रहा है, देखो अभी भी आ रहा है। आप क्लास में अटेंशन देते नहीं है ना, इसलिए आपकी कभी भी क्लास में जब पूछता हूँ जब क्वेश्चंस, तो आपको पता नहीं चलता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि आप अटेंटिव ही नहीं रहते। आपकी अटेंशन इतनी डिवाइडेड अटेंशन है कि आप हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर डाइवर्टेड रहते, तो इसलिए आप सुनते नहीं है, तो फिर आपको कैसे समझ आएगा। आप सोचो, क्योंकि आप 2 घंटे का जो क्लास अटेंड करते हो उसमें भी कंसेंट्रेट करके पूरा 2 घंटा सुने ये आपने एबिलिटी नहीं है, और आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि हाँ आपके हमेशा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो सब्जेक्ट की और आप अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर पाए बिना अटेंशन पे किए क्लास में। मतलब कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होनी चाहिए खुद से। आप अटेंटिव रहो तभी आपकी एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। जब अटेंटिव ही नहीं हो तो एक्सपेक्टेशन भी मत रखो कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, बिल्कुल नहीं रखो। लास्ट डे मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड था आप सबसे, वो शेल थ्योरम में इतना पढ़ाने के बाद आप सबसे इतने लोगों से पूछा, किसी ने सही जवाब नहीं दिया था। लास्ट में एक किसी ने सही जवाब दिया था, 10-12 लोगों से पूछा, आधे लोग तो मीटिंग छोड़ के भाग गए थे, 5-6 लोग तो सडनली भाग गए कि लगा कि अब सर मुझसे पूछ लेंगे, तो मीटिंग छोड़ के भाग गए। आपको देखो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, एंड आप बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है उन चीजों को। ऐसा नहीं है मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बस इतनी है कि जो पढ़ाई जा रही है वो बस याद रखिए, और बाकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी आपसे। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आपको पहले से कोई चीज आनी चाहिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ जो भी आपको जानना है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक जो भी सब्जेक्ट में टॉपिक से रिलेटेड जानना है आपको, सब कुछ मैं बताता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है कि आप ये जानो वो जानो पहले से पढ़ के आओ, कुछ नहीं, बस जितना पढ़ाया उतना ही जान के रखो। So this is the omega value, and therefore the time period, time duration of day, time duration of a complete day would be in such case t is equal to 2 pi by omega, and that will be 2 pi into root under r by g. अब ये वाली वैल्यू तो आपको पता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, जी एट सरफेस पता है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आती है ना, दिस कम्स आउट टू बी 84 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। और 24 घंटे को जब आप 84 मिनट से डिवाइड करते हो ना, तो यही डिविजन के बाद ये 17 का फैक्टर आता है, और 17 का फैक्टर जब आया इसका मतलब क्या है, 17 टाइम्स फास्टर अर्थ को मूव करना होगा। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है, कि वेटलेसनेस के लिए, इक्वेटर पे वेटलेसनेस के लिए टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितनी होनी चाहिए, 2 पाई रूट अंडर आर बाई जी। मतलब वो एक्सप्रेशन भी याद रखना है,
2 पाई रूट अंडर आर बाई जी, इसकी वैल्यू कितनी है 84 मिनट्स, ठीक है।